मुझे वसी अदर कहते हैं। मेरी 2 फरवरी 1958 की पैदाइश है। मेरा जो ख़ानदानी हवाला है वो ये कि एक लिखने पढ़ने वालों का घर था। वालिद साहब ने भी कोई 28 के करीब किताबें लिखी। बड़े भाई जो हैं वो भी इसी तरीके से रिसर्च का काम और शायरी और अफसाना इस तरफ। तो एक अदबी सा माहौल घर का बना हुआ था। उसमें मैं भी अपनी ज़ात की तलाश में कहीं निकला, लेकिन यह कि मुझे कोई ऐसा जो एक होती है ना कि अपने इनर फीलिंग्स को बयान करने के लिए कोई ज़बान चाहिए होती है कोई, तो वो मुझे कहीं ना शायरी में ना अफसाने में ना किसी चीज़ में मिल सका। वो मुझे मुसव्वरी में मिल सका और मैं इसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है मैंने सोचा कि ये इसमें अपनी ज़ात का इजहार कर सकूँगा किसी तरह से। मीडियम के हवाले से यह है कि मैं तो ऑयल कलर में भी काम करता हूँ, तो एक्रेलिक में भी और वाटर कलर में भी करा किसी ज़माने में। इस वक्त ऑयल और एक्रेलिक में काम कर रहा हूँ। और जो मेरे सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट ज़मानो मकान के हवाले से हैं, फेसेस के हवाले से हैं, जिसमें डिफरेंट किस्म के मूड्स और एक्सप्रेशंस वगैरह दिखाएं, और कुछ फिगरेटिव है और साथ में कैलीग्राफी को भी साथ साथ रखा हुआ है। कोशिश मेरी हमेशा यही रही कि जब भी कोई सोलो एग्जीबिशन करूं तो ऐसी सूरत में मैं कोई एक नया सब्जेक्ट साथ लेकर आऊँ। तो उसमें जो है वो मेरे सब्जेक्ट भी अच्छा खासे बढ़ते गए और उन्हीं में अपने आप को कर रहा हूँ काम में सारे। आप ये कहें कि ये इल्म का शोबा नहीं है, तो ये इल्म का शोबा है। मुसव्वरी सिर्फ़ और सिर्फ रंग और लकीरों का खेल नहीं है। ये इसके लिए आपकी स्टडी भी ज़रूरी होना चाहिए। लाज़मी बात है, आप जो कुछ भी बना रहे हैं, आप जो कुछ भी बनाना चाह रहे हैं, आप जो कुछ भी कैनवस में मुंतकिल करेंगे, उसके मुतालिक आपको कुछ ना कुछ तो जानना ज़रूरी है। एक स्टडी करना पड़ती है आपको। अगर फ़र्ज़ करें कि जैसे मेरा ज़मान व मकान के हवाले से अगर जो सब्जेक्ट है, तो मुझे ज़मानो मकान के हवाले से स्टडी तो करना पड़ेगी। तो ये इल्म का शोबा ऐसी सूरत में तो आप इसको इल्म का शोबा ही कहेंगे, इसको हम खारिज नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा मुसव्विर वही होता है जो कि मुताला रखे। मेरा बचपन या लड़कपन था इस तरह का, तो ऐसी सूरत में अखबारात में पूरे पूरे एडिशन जो थे उस पर बड़े बड़े मुसव्विरों के उस वक्त के और आज के भी वो हमारे यहाँ के उस्ताद मुसव्विर कहलाते हैं। उसमें सादेकैन हो गए, अब्दुर्रहमान हो गए, और इसी तरह से अब्दुर्रहमान चुगताई हो गए। इन लोगों की बाकायदा पेंटिंग्स जो है वो एडिशंस के ऊपर छपा करती थी अखबारात में। तो वो जब घर में आती थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था देखने में, मैं उनको संभाल कर रखता था। तो इंस्पिरेशन वैसे तो किसी की तरफ नहीं रही किसी मुसव्विर की, लेकिन उन लोगों की चीज़ों को जब देखा, उनकी पेंटिंग्स को देखा और उसको, तो ऐसी सूरत में ये कि तकरीबन जितने भी उस्ताद मुसव्विर हैं वो सभी मेरे उस्ताद हैं, क्योंकि मैंने मुशाहिदे से सीखा है। और मैं एक सेल्फ टॉट मुसव्विर हूँ। मैंने किसी इंस्टीट्यूट को मुसव्विरी के हवाले से ज्वाइन नहीं किया। मेरी इस वक्त जो है वो 21 सोलो एग्जीबिशंस हो चुकी हैं कराची और इस्लामाबाद में, और बाकी ये कि तकरीबन 250 से ज़्यादा जो है वो मेरी ग्रुप एग्जीबिशंस हैं, जो कि यहाँ से पेंटिंग्स मेरी चली गई मुख्तलिफ़ जगहों पर। दुनिया भर के तकरीबन तमाम बड़े बड़े शहरों में, कैपिटल्स में, उनमें पेंटिंग्स जाती रहीं और एग्जीबिशन। देखें, मेरा आइंदा का प्लान जो है ना वो कोई मुसव्विर की अगर ये सोच समझ के इस तरह का करे ना, तो ये तो बड़ा सा मुश्किल सा काम होता है। आपको को मैं बताऊं कि जैसे मैंने एक नावल जागे हैं ख्वाब में, उसके 1001 टाइटल बनाए। हर किताब के ऊपर मुख्तलिफ टाइटल था। तो ये भी मैंने अचानक फ़ैसला करा था एक लम्हे के अंदर अंदर। तो ऐसी सूरत में जो है ये बता देना कि आइंदा का क्या प्रोग्राम है। हाँ, यह है कि जो मेरे अपने काम हैं, जो मैं अपनी पेंटिंग्स जिन जिन मौज़ूआत पे कर रहा हूँ वो तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन साथ साथ मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं शायरी के ऊपर कुछ मुसव्वरी करूँ, जिसमें उस्ताद शुरा जो हमारे पाकिस्तान के गुजरे उनका कुछ कलाम के ऊपर काम किया जाए। ये जो मुसव्वरी है ये एक आसूदा हाल माशरे में पनपती है और वहीं पर ये परवान चढ़ती है। तो अभी तो हम अपने मुल्क के जो मसाइल हैं जिनको हमें वो निकल परेशान नहीं होना चाहिए उनसे, लेकिन उसके बावजूद तो अभी हम उनमें भी घिरे हुए हैं। तो ये कह देना कि मुसव्वरी पाकिस्तान में परवान ना चढ़ सके या ऐसा कुछ हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ के अगर मैं जो मुसव्विर हैं जो बैनुल अक़वामी सतह पे मशहूर हुए, शोहरत हासिल करी जिन्होंने, उनमें आप देखिए अब्दुर्रहमान चुगताई हैं, अहमद परवेज हैं, सादेकैन हैं, गुलजी हैं, फिर जमील नक्श हो गए, बेशुमार मतलब अच्छा खासे मुसव्विर मौजूद हैं। तो वो भी तो इसी माशरे में थे, तो उन्होंने काम किया ना। अब उनकी पजीराई जो है वो हुकूमती सतह पे या ये कि एक निजी सतह के ऊपर किसी तरीके से, तो कहीं ना कहीं से बहरहाल ये कि मैं समझता हूँ कि ये जो तख्लीक का काम है ना, ये खुदरा पौधे की तरह से होता है, ये ऑटोमेटिक जन्म लेता है, इसको आबियारी की ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा, ये खुद ब खुद परवान चढ़ेगा। ये अलग बात है कि अगर उसको ज़रा सी आबियारी भी हो जाए उसकी, तो ऐसी सूरत में शायद वो और बेहतर तरीके से काम कर सकें। लेकिन हमारे यहाँ की मुसव्वरी पाकिस्तान की दुनिया भर की मुसव्वरी के मुकाबले पे खड़ी हुई है बाकायदा, और ये एक बड़ी खुशाइंद सी बात है। कराची अपडेट्स का एक तो ये कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग ने मुझसे भी कुछ राय ली इसके बारे में। लेकिन हमारे यहाँ की जो नौजवान नस्ल है ना, मुझे उनमें इतनी एनर्जी नज़र आती है, मैं वैसे तो निकलता कम हूँ लेकिन फिर भी अगर मैं देखता हूँ तो उन लोगों में इतने एनर्जेटिक हैं। तो ऐसी सूरत में अगर उनको बेहतर रास्ते की तरफ किसी तरफ डाला जाए तो शायद वो उसमें भी अपनी एनर्जी इसी तरह से लगाएंगे। तो सिर्फ नौजवान नस्ल की हद तक नहीं, मैं तो जो बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग लोग हैं उनसे भी कहूँगा कि अपनी नस्ल को जो है वो इनकरेज करें, उनकी हौसला अफजाई करें, ताकि ये कि वो बेहतर रास्ते पे चल सकें और हम लोग और तरक्की कर सकें।